आपका CUET एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा CUET एक्सपीरियंस सही था, मतलब पेपर बहुत आसान था, बिना पढ़े दिया था फिर भी आसान लग रहा था। NCERT के क्वेश्चंस थे। हाँ, अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। यहाँ पर टीचर्स बहुत अच्छे, प्रोफेसर बच्चों के साथ अच्छा इंटरेक्ट करते हैं और जो सीनियर्स भी अच्छे हैं। बट एक जो वाइब और क्राउड की बात होती कि नॉर्थ कैंपस में लोग क्राउड किरा रहे, तो आई गेस क्राउड से तो सेटिस्फाइड होगा। हाँ, सेटिस्फाइड है। नॉर्थ कैंपस की वाइब और ओवरऑल एम्बियंस कैसा लगा आपको? हाँ, बहुत अच्छा है, नॉर्थ कैंपस की वाइब बहुत अच्छी है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शशांक जैन और आज मैं आया हूँ रामजस कॉलेज में आपको कॉलेज का टूर कराने और साथ ही साथ यहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, उनके CUET एक्सपीरियंस के बारे में जानने में और रामजस कॉलेज का रिव्यू एंड ओवरऑल DU नॉर्थ कैंपस की वाइब क्या है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो हमने कॉलेज का टूर दे दिया है आपको, हमने कुछ इंटरेक्शन भी किया है, लेकिन अभी भी शायद थोड़ी कमी लग रही है। तो चलो कुछ और लोगों को ढूंढते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। ओके, सो हाय, व्हाट्स योर नेम? मान्या। मान्या, माय नेम इज लक्ष्य। लक्ष्य, ओके। सो मान्या, कौन सा कोर्स है आपका? BCom ऑनर्स। BCom ऑनर्स। सो आपका CUET एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा CUET एक्सपीरियंस सही था, मतलब पेपर बहुत आसान था, बिना पढ़े दिया था फिर भी आसान लग रहा था। NCERT के क्वेश्चंस थे, ठीक है। बिना पढ़े दिया का मतलब क्या होता है? बिना पढ़े दिया और फिर राम से आगे, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। 12th के लिए तो अच्छे से पढ़ा था यार। Okay. तो जो 12th के लिए पढ़ता है उसका CUET निकल सकता है आराम से। जो 12th के लिए पढ़ता है उसका CUET निकल जाता है। एग्जैक्ट। ओके, व्हाट अबाउट यू लक्ष्य? मेरा भी एक्सपीरियंस CUET का काफ़ी अच्छा था। अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हाई थी क्योंकि पता नहीं था पेपर के बाद क्या होना है, पेपर किस तरह का आएगा, किस पैटर्न पे आएगा और किस लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, तो उसकी थोड़ी अनसर्टेनिटी थी, थोड़ा डर लगा था। लेकिन ओवरऑल पेपर का एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ था और अच्छे से निकल गया, पेपर भी काफ़ी ईजी था। ओके, ठीक है यार। CUET मतलब मोर और लेस सभी का सेम ही एक्सपीरियंस था, लेकिन स्टिल अब जब से आप रामजस कॉलेज में हो, बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ DU नॉर्थ कैंपस, सो लाइक आपका कैसा परसेप्शन अबाउट रामजस कॉलेज? व्हाट डू यू थिंक अबाउट रामजस कॉलेज? रामजस कॉलेज में आने की हाइप और एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि फुलफिल एकदम नहीं करी, काफ़ी फुलफिल भी करी है। कैंपस रामजस का बहुत अच्छा लगा मेरे को। इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा पुराना है पर अच्छा है, फैकल्टी नॉलेजेबल बहुत हैं और उसके अलावा अगर आप अपनी तरफ से क्यूरियस हो, आप कुछ करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली रामजस या किसी भी नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में और DU के भी कॉलेज में, किसी में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अच्छा, आपका ब्राइट फ्यूचर हो सकता है जरूर। ओके, सो मान्या, आपका क्या कहना है अबाउट रामजस कॉलेज? रामजस वही है, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी, उतना नहीं है बट अच्छा है। लाइक आई वुड से फैकल्टी भी सही है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, ग्राउंड्स बहुत सारे हैं, मोर ओवर सोसाइटीज़ विच इज़ अ पार्ट जो मुझको बहुत अच्छा लगता है रामजस के बारे में। रामजस सोसाइटीज़ अच्छी। ओके यार, एक चीज़ रामजस के बारे में जो अब कह लो या बदनाम है या तो एक जो टॉक्स रहती है रामजस के बारे में, इट्स लाइक कि रामजस में पॉलिटिक्स काफ़ी होती है। सो यू गाइज हैव सम ओपिनियन अबाउट दैट? नहीं, मैंने आज सच कुछ पॉलिटिक्स देखी नहीं है, बट रामजस आने से पहले मैंने भी सुना था, तो आई डोंट थिंक कि अभी इतनी पॉलिटिक्स है, बट अभी इलेक्शंस भी नहीं हुए हैं। दैट आई वुड लाइक। एक्चुअली पॉलिटिक्स को लेके मेरा भी कोई वो नहीं है कि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने नहीं फेस करी किसी भी चीज़ में। टीचर सपोर्टिव हैं, सारे बच्चे सपोर्टिव हैं, सीनियर से हमारा ज़्यादा इंटरेक्शन हो नहीं पाया लाइक सर्कमस्टांसिस की वजह से, पर सीनियर्स भी मोस्टली सपोर्टिव ही हैं। उन्होंने हमारे नोट्स वगैरह में हेल्प करी और हमें थोड़ा सा गाइड तो ज़रूर करा है, और एज सच पॉलिटिक्स मुझे नहीं दिखी कहीं पे भी। अच्छा, और एक ओवरऑल जो नॉर्थ कैंपस के बारे में कहा जाता है, दैट नॉर्थ कैंपस हियर इज़ द ब्यूटी स्टार्ट्स, और नॉर्थ कैंपस का एम्बियंस, स्ट्रीट व्यू एंड ऑल दैट, सो वो कैसा लगा तुम्हें? नॉर्थ कैंपस एक अपने आप में एक माहौल है पूरा, आपको आपके आसपास बहुत सारे स्टूडेंट्स रोम कर रहे होते हैं, आपको एक लगता है कि आप कहीं हो, तो उस मामले में बहुत अच्छा है ज़रूर। ओके मान्या व्हाट अबाउट यू? नॉर्थ कैंपस रात को बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रीट लाइट्स, मस्त यूलू पे घूमो, अच्छा है। नाइट आउट के लिए बढ़िया है। हाँ नाइट आउट के लिए अच्छा। ओके सो एट द एंड अगर आप जूनियर्स के लिए कोई टिप देना चाहो, जैसे CUET एग्ज़ाम अभी शायद 10-15 दिन बाद एग्ज़ाम है उनका, सो लास्ट मोमेंट कोई टिप, या तो रामजस कॉलेज में अगर कोई आते हैं तो कोई भी नॉर्थ कैंपस कॉलेज में आते हैं तो कैसे डील करना है चीज़ों को, कुछ टिप्स अगर आप देना चाहें तो? कुछ टिप्स, पहले तो CUET के लिए अच्छे से पढ़ो, CBSE पढ़ी थी वेल एंड गुड, NCERT फिर से पढ़ लो एंड ठीक है नॉर्थ कैंपस इज़ ऑल्सो नाइस, प्रेफरेंस शीट्स अच्छे से भरना, यूट्यूबर्स पे मत जाना, वी ऑल नो ये मैंने क्यों मेंशन किया, यूट्यूबर्स पे मत जाना। और ठीक है नॉर्थ कैंपस हुआ तो भी सही है, साउथ कैंपस हुआ तो भी ठीक है, हर कॉलेज अपने आप में अच्छा ही है। लक्ष्य व्हाट अबाउट यू? मेरे हिसाब से भी CUET आपको अच्छा से क्लियर करना है, आप 12th के लिए अच्छे से पढ़ो, सिर्फ NCERT के बाहर से आप ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ NCERT को अच्छे से आप कवर कर लो। और उसके अलावा अगर आपको नॉर्थ कैंपस नहीं मिलता, आपको कोई सा भी कॉलेज मिले, आप अपनी तरफ से एफर्ट डालो, आपको पूरा रिजल्ट 100% किसी भी कॉलेज में मिलेगा। मेरे कुछ दोस्त हैं वो दूसरे कॉलेज में, साउथ कैंपस वगैरह में, और कुछ फैसिलिटीज़ वहाँ पर रामजस से बेटर ही हैं, तो अगर आप क्यूरियस हो, आप कुछ करना चाहते हो, आप डेफिनेटली किसी भी कॉलेज में कर सकते हो, अपने आप को डिसहार्टन मत करना अगर आपका नॉर्थ कैंपस में नहीं। सो एट द एंड क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज़ कि एट द एंड जो भी होता है तुम्हारे ऊपर रहता है, कॉलेज डजंट डिफाइन हु यू आर, राइट? कॉलेज एक माहौल दे सकता है तुम्हें, कॉलेज एक क्राउड दे सकता है, बट वॉट यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन यू, राइट? ओके सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच हमारे साथ इंटरेक्शन करने के लिए, थैंक यू गाइस। ओके गाइस लेट्स कंटिन्यू विद आवर इंटरेक्शंस। हाय भाई। हेलो, क्या नाम है आपका? आयुष। आयुष, आपका क्या नाम है भाई? सचिन। हाय सचिन। ओके सो आयुष भाई, हाउ वाज योर CUET एक्सपीरियंस? CUET इट वाज गुड, बस प्रॉब्लम ये था कि मतलब फर्स्ट टाइम कंडक्ट हुआ था तो मतलब अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाया था, और मतलब सेंटर्स काफ़ी मतलब लास्ट टाइम पे शफल हुए थे तो बहुत प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन अच्छा था, मतलब एक्सपीरियंस वाज गुड एंड पेपर वाज आल्सो गुड। ओके सो व्हाट अबाउट योर CUET एक्सपीरियंस? हाँ अच्छा था और न्यू था, और पहली बार हम लोगों ने नेशनल लेवल का भी एग्ज़ाम दिया था, NTA ने कंडक्ट करवाया था, तो थोड़ा पहली बार था तो सबको कन्फ्यूजिंग था, उनको भी कन्फ्यूजिंग था, चेंज होते रहते थे सेंटर्स और एग्ज़ाम पैटर्न बहुत चेंज था, तो मतलब अगर आप अच्छे से पढ़ के जा रहे हो, एकदम फोकस होकर, तभी आप कर पा रहे हो, और आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए, तभी CUET आपका एक्सपीरियंस अच्छा करेगा। देखो आप नॉर्थ कैंपस रामजस कॉलेज में हो तो भाई बात तो बढ़िया है, तो मुझे ये बताओ रामजस कॉलेज में एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अच्छा रहा, कॉलेज अच्छा था, बहुत सुना था और आने का मन भी था, तो बाय द वे यहाँ पे हैं हम लोग। हाँ अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, प्रोफेसर बच्चों के साथ अच्छा इंटरेक्ट करते हैं, और जो सीनियर्स भी अच्छे हैं, बच्चों वो भी इंटरेक्ट करते हैं जूनियर के साथ। अच्छा तो मतलब रामजस कॉलेज के बारे में एक चीज़ बहुत सुनी जाती है कि पॉलिटिक्स बहुत होती है, तो ऐसा कुछ दिखता है क्या आप? मैंने देखा है, ठीक सीनियर्स थे हिस्ट्री ऑनर्स के, तो उन्होंने मतलब ऐसा थोड़ा प्रेशर डाला कि हाँ इन सब में अच्छा है, सोसाइटी ज्वाइंस करो, तो मैंने भी हाँ बोल दिया, बट अच्छा नहीं, यहाँ पे पॉलिटिक्स ज़्यादा है, यहाँ पे पॉलिटिक्स ज़्यादा। हाँ यहाँ मतलब बच्चे, तो ये है कि अवॉइड करी जा सकती है कि मतलब? हाँ अवॉइड किया तो जो बच्चे पढ़ने के पर्पज़ से हैं वो कर सकते हैं नॉर्मली, बाकी जिनको वैसे अगर इसमें घुसना है, इनका बैकग्राउंड थोड़ा बहुत वैसा है तो वो जा सकते हैं, कोई वैसा नहीं है इसमें। ओके तो भाई आपका क्या रहा रामजस का एक्सपीरियंस? रामजस बहुत अच्छा कॉलेज है, ऐसे एग्जैक्टली टीचर्स बहुत अच्छे हैं, प्रोफेसर्स, सीनियर्स भी बहुत हेल्पफुल हैं, और यहाँ पे मेनली फेस्ट होते हैं, और मतलब इंटरेक्शन बहुत होता है, उससे गुड है जो एलुमनाई उनसे होता है, और मैक्सिमम जो यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप पार्ट ले सकते हैं। यहाँ पे अभी लेटेस्ट हुआ था मार्च में, अभी वो हुआ था एनुअल मीट हुआ था ना, एनुअल मीट था स्पोर्ट्स के लिए, वो बहुत अच्छा था। उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मेनली रामजस कॉलेज में अच्छा है इसमें, और यहाँ पे है कि लो आपको आना चाहिए। यार तारीफ तो काफ़ी हो गई, अब थोड़ा सा मुझे बताओ मतलब डीमेरिट्स कह सकते हो या तो कुछ कमियाँ जो आपको अपने कॉलेज की लगी हों? ये लगा कि मतलब चीज़ें जैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, कोई चीज़ें तो समझ नहीं आता, तो कोई हेल्प जल्दी से नहीं कर पाता है, तो अच्छा। हमें खुद करनी पड़ती है यार अल्टीमेटली, ये तो हर कॉलेज का सीन है कि अल्टीमेटली एंड में तुम्हें पढ़ना खुद से ही है। नहीं पढ़ने का नहीं, मतलब उसे कोई काम हो या कोई चीज़ हमसे हो नहीं पा रही है, अच्छा। या एडमिशन में कोई काम है तो बहुत लेटली होता है, तो समझ में नहीं आता है एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ और कुछ कंफ्यूजिंग करते हैं टीचर भी, यहाँ जाओ वहाँ जाओ वैसा वैसा, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि कहाँ जाएँ क्या है, पूछना पड़ता है, तो वो बस, बाकी सारा सही अच्छा है। आपको क्या लगता है कुछ एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम है यहाँ पे? मतलब एक बार टीचर से किसी के पास जाओगे तो आपको दूसरे पे कंसल्ट करेगा वो, तो बार बार चेंज करना पड़ता है आपको, और जल्दी आपका काम हो नहीं पाएगा। एकेडमिकली कोई ऐसी प्रॉब्लम तो सिग्निफिकेंट नहीं, सब सही है। और एक नई चीज़ सीखने को मिली कि यहाँ पे चीज़ें बहुत मतलब नई नई चीज़ सीखने को मिली, हर दिन कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस होता है, ये चीज़ अच्छा लगा। ओवरऑल जैसे आप डी यू नॉर्थ कैंपस में हो, नॉर्थ कैंपस के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में हो, तो नॉर्थ कैंपस की वाइब और ओवरऑल एम्बियंस कैसा लगा आपको? हाँ बहुत अच्छा है, नॉर्थ कैंपस की वाइब बहुत अच्छी है। ये एक अलग से एरिया है पूरा, तो ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे एरिया में। इसके बाहर जाते हैं तो लगता है कि हाँ कहीं आए, बस अंदर रहते हैं तो लगता है कि हाँ किसी नई एरिया में है, अच्छा एक्सपीरियंस होता है। ओवरऑल लास्ट में अगर आप एक टिप देना चाहो अपने जूनियर्स को तो वो टिप क्या होगी? मेनली टिप ये होगी कि यहाँ पे आप आएंगे तो आपको बहुत सारे कॉम्पिटिशन फेस करने को मिलेगा और आपको बहुत सारी लर्न करने की चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी आपको मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको पहली बार ऐसे आप फेस करोगे। और टिप्स यही है कि यहाँ पे आके सबको आपको एक्सप्लोर करना चाहिए मेनली। थैंक यू सो मच गाइज हमारे साथ इंटरेक्शन करने के लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके गाइज, तो चलो कुछ और लोगों का भी इंटरव्यू लेते हैं। हेलो भाई, क्या नाम है आपका? नमन। नमन एंड हाय, क्या नाम है आपका? अंशुमन। अंशुमन, ओके। नमन, सो टेल मी अबाउट योर CUET एक्सपीरियंस। CUET एक्सपीरियंस, सो माय CUET एग्ज़ाम वेंट वेल। बाकी आई थिंक कि दिस वाज अ न्यू इनिशिएटिव और काफ़ी अच्छा था कि लोगों को दूसरा चांस दिया गया। बट फर्स्ट टाइम कंडक्ट हुआ था तो काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि सिस्टम थोड़ा ख़राब था, काफ़ी डिले हुए जा रहा था, तो स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हुई थी। सो हाँ, ओके। एंड टॉकिंग अबाउट कि आप रामजस कॉलेज में हो यार, DU के नॉर्थ कैंपस के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, सो लाइक एक्सपीरियंस क्या रहा आपका कॉलेज का? सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ कि मैंने जेवेस छोड़ के रामजस ज्वाइन किया था, तो मेरा एक्सपेक्टेशंस थोड़ा डाउन हुआ, बट ऐसे रामजस का एक्सपीरियंस इज़ ग्रेट, सोसाइटीज़ आर ग्रेट, कैंपस इज़ ग्रेट, क्राउड इज़ डिसेंट। बाकी फैकल्टी वाइज का कुछ टीचर्स है काफ़ी अच्छे, बाकी थोड़े बहुत है जो उतने अच्छे नहीं हैं। सो हाँ ऐसे इट्स नाइस। यार ये ओवरऑल तो हर कॉलेज की कहानी है कि अल्टीमेटली करना तो तुम्हें खुद से ही है, बट एक जो वाइब और क्राउड की बात होती है कि नॉर्थ कैंपस में लोग क्राउड के ला रहे, तो आई गेस क्राउड से तो सेटिस्फाइड हो गया आप? हाँ सेटिस्फाइड है। बाकी कुछ कुछ कोर्सेज में है कि क्राउड अच्छा नहीं है, बट ऐसे मेन कोर्सेज में काफ़ी अच्छा क्राउड है। ओके अंशुमन, सो टॉकिंग अबाउट योर CUET एक्सपीरियंस, आपका क्या एक्सपीरियंस? अच्छा था, पहली बार हुआ था CUET, तो लाइक पहले स्टार्टिंग में पता नहीं था पेपर कैसा आएगा क्या आएगा, लाइक बहुत लाइक डर लग रहा था, बट एग्ज़ाम बहुत ईजी आया था, पूरा NCERT बेस्ड एग्ज़ाम था एंड यार बहुत इजी था। ओके तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा रामजस कॉलेज का? लाइक एक्सपीरियंस ठीक है, एक ओकेश रहा, लाइक जितना एक्सपेक्ट किया था उतना तो बिल्कुल अच्छा नहीं था फ्रैंकली स्पीकिंग। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके आए थे DU से, उतना तो नहीं निकला, लाइक फैक्ट बाकी सब तो आई गेस ठीक। ओके सो टॉकिंग अबाउट DU के नॉर्थ कैंपस की, एक लोग बोलते हैं कि नॉर्थ कैंपस में एक फील अलग है, वाइब एम्बियंस कुछ अलग है इसका यहाँ का, तो आपको कैसा लगा नॉर्थ कैंपस? लाइक वैसे नॉर्थ कैंपस अच्छा है, क्राउड इज़ नाइस और सब अच्छा है, बट आई वुड से हाइप है। सो एक चीज़ है कि सब लोग कॉलेज लाइफ में चाहते हैं कि उनको इन कैंपस हो, ज़्यादा मज़े होंगे। सो ये काइंड ऑफ हाइब्रिड है कि इन कैंपस भी है, बाहर भी है। बाकी आई फाइंड कि नॉर्थ कैंपस काफ़ी सही है बिकॉज सारे कॉलेजेस पास पास है, तो कंपटीशन काफ़ी बढ़ जाता है, आपका इंटरेक्शन, आपका नेटवर्किंग काफ़ी हो जाता है। सो आई थिंक कि DU नॉर्थ कैंपस इज़ नाइस। सो एट दी एंड अगर मैं एक टिप आप सबको मांगूँ अपने जूनियर्स के लिए जो शायद रामजस कॉलेज आ रहे हो या किसी और नॉर्थ कैंपस कॉलेज में आ रहे हो, तो उनके लिए आप क्या टिप देना चाहेंगे? टिप तो यही रहेगा कि बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ लो, CUET पार हो जाएगा। बाकी टॉकिंग अबाउट कॉलेजेस, अपना प्रेफरेंस सही से भरो और कॉलेज में आके खुद से ही पढ़ना है, बट नॉर्थ कैंपस मिले तो डोंट मिस दैट। और YouTube की प्रेफरेंस शीट्स तो लाइक बिल्कुल भी फॉलो मत करना, प्रेफरेंस शीट अच्छे से बनाना और NCERT फॉलो करो एकदम, पूरा पेपर NCERT से आएगा एंड पेपर बहुत ईजी आया था। थैंक यू सो मच गाइज हमारे साथ इंटरेक्ट करने के लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू।